वैसे में सवाल तो ये है कि क्या दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। अफगान बॉलर्स ने लाइन लेंथ पर गेंद ना करवाई, फील्डर्स मिस फील्ड करते रहे, कैच भी छोड़ते रहे। सोशल मीडिया सार्फिन को अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर कुछ गड़बड़ नजर आने लगी। कुछ सार्फिन ने सवाल उठाया कि क्या मैच फिक्स है, कुछ ने तो आगे देखेंगे। पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्स क्रिकेटर आईपीएल को लेकर बात कर रहे हैं कि इससे इंटरनेशनल क्रिकेट तबाह हो रही है और ये और वो, और जो कल का मैच था वो अफगानिस्तान आईपीएल की वजह से इस तरीके से मतलब वो फुल मतलब ताकत के साथ नहीं खेला, इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान से और ये क्या उम्मीद कर सकते हो आप। कल को अगर नबीबिया अच्छा खेल जाती है तो वो भी शायद आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए वो इस तरीके का कुछ कर सकते हैं। न्यूजीलैंड ख़राब खेल जाती है तो वो भी आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कर सकते हैं। गाइज एक रियलिटी है, सीधी सी बात है, ऊपर की जो चार टीम है वो एक अलग लेवल का क्रिकेट खेलती हैं और नीचे की जो टीमें हैं वो अलग लेवल का क्रिकेट खेलती हैं। तो ऊपर की जो चार टीम है उनके बीच आपस में मैच होते हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया न्यूजीलैंड, इनके मैच बराबर होते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत खेलता नहीं है, पाकिस्तान को मैं पांचवी टीम कंसीडर करूंगा। हालांकि टेस्ट मैचेस में पता नहीं ये कैसा खेलते हैं, और आपको भी पता है भारत में जो टीम आती है बाहर से वो सब हार के जाती हैं, ये भी पता है। भारत बाहर जाके खेलता है तो एक अलग कहानी है भाई। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ टूर करो ना, आप इंग्लैंड में टूर करो, आप न्यूजीलैंड में टूर करो, इंडिया कब रोक रहा है आपको? आप निकालो वहाँ पे और टूर करो, कब रोक रहा है आपको? कौन कहता है कि आपकी क्रिकेट के हम पीछे पड़े हैं जबरदस्ती का कि इंडिया की वजह से हम डाउन जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप इस वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे हो, इंडिया ने कुछ मतलब किया कि आपने 3 में से 3 मैच जीते, तो इंडिया इसमें कहाँ से आ गया? मतलब पाकिस्तान का एक है कि आईपीएल की वजह से दुनिया की क्रिकेट तबाह हो रही है, ये है वो है। पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में नहीं खेलते, एक अलग खुन्नस है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि अभी आईपीएल में खेलेंगे भी, और क्योंकि इनका खुद का पीएसएल है भाई। अगर तुम ऐसा लीग क्रिकेट या फ्रेंचाइजी क्रिकेट के खिलाफ हो तो सबसे पहले तुम्हें अपना ये पीएसएल बंद करना चाहिए। तुमने तो और वो भारत को जलाने के लिए कश्मीर प्रीमियर लीग चालू किया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे भी, यहाँ से भी खेलेंगे ये एक्स क्रिकेटर, वहाँ से भी खेलेंगे। और आईपीएल को लेकर खासा हेट है पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर और भी बात करते हैं वीडियो के अंतिम भाग में। तरफ लोग बार बार उंगलियाँ उठा रहे हैं, और वो उठा रहे हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर क्रिकेटिंग बॉडीज एंड ओवर आईसीसी। बट उससे भी ज़्यादा आई थिंक एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो हम सब के लिए गुफ्तगू करने का, आई थिंक उसके ऊपर एक छोटी सी ब्रीफ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए वसीम, वो है अभी आईपीएल की दो टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो हैं वो ऑक्शन हुई हैं ओवर $1 बिलियन और $1.6 बिलियन, 1.6 अरब डॉलर की दो टीमें जो हैं वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं अभी उसमें, ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ दो टीमें, दो फ्रेंचाइज तो वो दिए गए। और ये पहली दफ़ा है कि आप देख रहे हैं कि एक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीज आर नॉट लाइक यू नो कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग जब कैप, बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द एक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एंड देयर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो बिजनेस से शायद रिटर्न मिले ना मिले, बट विनिंग अ टीम इन आईपीएल इट मींस के विद इन 5 इयर्स दैट टीम अबाउट $960 मिलियन की विल बी $1.5 बिलियन जस्ट लाइक द अदर टीम। हाउ इज इट, बिकॉज़ यू बेंच योर प्राइस मार्क। लाइक इन पीएसएल का एग्जांपल देता हूं, जो लास्ट टीम आपकी बिकी है वो बिकी है मुल्तान सुल्तान, सो 6.3 मिलियन, ठीक है। अब बाकी टीमों की प्राइस तो वो आ गई ना, जिन्होंने कराची किंग्स 2.5 या 3 मिलियन की थी, द चीपेस्ट इज कोटा ग्लैडिएटर्स $1 मिलियन, सो वो टीमें जब बिकेंगी अब, सो वो 6.3 से ऊपर ही बिकेंगी, ऊपर का बेंचमार्क होगा। सो आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स होंगे, आपने अगर आज $1 बिलियन की टीम खरीदी है तो उस पर कैपिटल गेन्स होंगे, विच ऑल्सो देन हैज टू रिफ्लेक्ट ऑन टू द इकोसिस्टम, because the entire ecosystem should be able to make money, and if the entire ecosystem is not making money, it becomes a brand, right? But brand equity comes out from a multiplier on the valuation that comes through revenue. If there is no revenue, there will be, so revenue has to justify the investment to start with, and only then will the capital gains will come into play, which then takes me to another question. Let me bring this question up. थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे, इसको मैं ये बता रहा हूँ, जब आप इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं,
क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, वो पैसा लगा रही हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है कि हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है. विच मीन्स के फिर क्या ये चीज़ें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर. ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर ऐसा ऐसा ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा, दो नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा, आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोले हमारे लिए ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो. जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलेटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं. साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न के लिए कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन. फखर ऑलरेडी यू नो टीमें सफ़र कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज अब सफ़र हो रही हैं. मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, तो ये ना सफ़र होना शुरू हो जाए. अब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो दो टेस्ट मैच बहुत ही होगा, तो तीन टेस्ट मैच के सिर्फ एक प्रोबेबली एशेज ऐसी है, या इंडिया जब चाहती है वो पांच टेस्ट मैच खेलती है. बाकी तो कोई भी टीम ऐसी दुनिया की नहीं है जो आपस में इतना खेलती है. आप लोग साउथ अफ्रीका थे जब आपकी सीरीज थी उनसे, वाइट बॉल सीरीज, तो उनके एक थ्री क्वार्टर्स प्लेयर देयर अलाउड टू गो टू आईपीएल. उसकी वजह ये है वसीम भाई कि जब भी आईपीएल होती है जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं जिस भी बोर्ड से सिलेक्ट होते हैं बोर्ड को पे करता है आईपीएल के, आईपीएल पे इज द क्रिकेट बोर्ड, पैसे आ गए ठीक है, यही तो बात दूसरा. हाँ जी एग्जैक्टली. तो हमारी सीरीज में भी जो थे वो प्लेयर्स आ गए साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स छोड़ के, क्योंकि बोर्ड को पैसे मिल रहे थे, उन्होंने प्लेयर्स को अलाउ किया, लेकिन ये बोर्ड का कसूर है, नॉट द प्लेयर्स. अगर मैं एक्चुअली इसमें कसूरवार वहाब, आई थिंक यू नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कसूर नो, मैं आप रेवेन्यू की बात करें ना, आपको पता है कि स्टार जो आईपीएल का एक मैच है वो कितने करोड़ का वो होता है मैच, एक जो टीवी पे आता है. या वी नो द राइट्स, बट हियर्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, द राइट्स फॉर स्टार, फर्स्ट टाइम जब राइट्स बिके आईपीएल के, सोनी ने खरीदे फॉर 10 इयर्स $1.1 बिलियन. And then after that, Star got those rights for 5 years, $2.5 billion. Star ko IPL ka ek over, $1,43,000 ka padta IPL mein. Right. One over. And they have to make money on top of that. This is just cricket rights. This is cricket rights. And I want to bring in something very interesting that the television industry, the broadcasters that practice the art of broadcasting are now saying that the IPL rights, television rights business has peaked. मीनिंग के वो अपनी पीक पे उरूज पे पहुंच चुका है. सो नाउ वी नीड टू गेट न्यू रेवेन्यू रिसोर्सेज. व्हाट डज दैट मीन? दैट बेसिकली मीन्स दैट देन ऑन द होराइजन आर थिंग्स दैट विल बी चेंज्ड दैट विल फर्दर इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट. मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग से शुरू होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू होता है, वो बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के ऊपर अपना टॉल, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़े तौर पे लेना अब शुरू हो जाएगा. आपको एक और चीज़ बता दूं कि पीएसएल के इस वक्त तारीखें जो है वो फंसी हुई हैं. 10 नवंबर तक ड्राफ्ट हो जाता था पीएसएल का, अभी तक हमें पीसीबी से कोई क्लैरिटी नहीं आई है. दूसरी तरफ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग शुरू करना चाहते हैं. इट्स बिट पॉलिटिकल नाउ हियर, इट इज देयर यू गो, आई वी लेट देम, हमने उनको ये करने दिया है. I am all for international cricket to come into Pakistan. We all are. Yeah. But not at the expense of your own brand. Yeah. You see, IPL ki date change nahi hoti unless there is some covert or some elections. Humne kyun date change ki? Because agar end January mein shuru karna hai, mid Feb mein shuru hota tha na pehle, to sabko pata tha foreign players ka calendar hai. Ek to end Jan mein karenge, aapka Big Bash se conflict ho raha hai. फिर उसके दरमियान जनवरी में वो एमिरेट्स लीग करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ओनर्स हमारे हमसाए मुल्क से हैं एंड वेल ऑफ पीपल. इफ दे गोना ऑफर मनी $300,000 टू से वहाब रियाज फॉर आर्गुमेंट सेक, वेयर वुड ही पे गो? प्रेफर गोइंग देयर, सिंपल, गोइंग देयर, नॉट जस्ट वहाब, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन प्लेयर्स. सबसे जो ज्यादा मुझे डर और तकलीफ होगी ना कि अगर टेस्ट क्रिकेट सफर होगी, जो कि इस साल देखा कि सफर हुई, इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट मैच छोड़ दिया जस्ट प्योरली, आई मीन रीजंस तो 100 दिए जा सकते हैं कि जी कोविड और ये वो, बट प्योरली ऑन के जी उनका आईपीएल शुरू होने वाला था एंड दे लेट गो द टेस्ट मैच क्रिकेट. दिस इज वेयर द क्रिकेट स्टार्टेड फ्रॉम एंड वी ऑल लव दैट गेम. नाउ दे सेड दे प्रोबब्ली प्लेड अगेन और समथिंग दैट वन, आई मीन अगेन हु नोस कब खेले. इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट यू टेक ऑन इन दिस, द इशू इज के आईपीएल इज द ओनली लीग जिसमें ऑक्शंस है.
एंड दैट्स व्हाई इट्स द बिगेस्ट लीग. अगर आप दुनिया की बाकी सारी लीग्स को देख लें, बिग बैश को देख लें, हमारा PSL ब्रांड देख लें, LPL देख लें, T10 देख लें, व्हाटएवर लीग यू से आफ्टर IPL, दे आर ड्राफ्टेड, राइट. सो व्हेन इट कम्स टू एन ऑक्शन, राइट, ऑक्शन में ये होता है कि यू नो यू हैव अ बेस प्राइस, और अगर छह टीमों में से किसी को प्लेयर चाहिए और यू स्टक ऑन इट, सो द प्राइस गो हाई. That's why it makes so different to everyone. And everybody wants to be a part of it. But they also have the money for that particular. They have the sponsorship. They have everything. And hence comes the question that this needs to be regulated. How can they regulate? That's a big question, boss. Either the ICC or somebody, the authority, the body. What's Mispa's take? Mispa, what is your take? लेकिन असल में जो सारी ये बात हो रही है वो यही हो रही है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी. ऑब्वियसली पैसे इम्पोर्टेंट हैं प्लेयर्स के लिए, गेम के लिए भी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और गेम को आगे चलाने के लिए भी, बट प्रायोरिटी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल सफ़र हो रही है, और इस टाइम प्रायोरिटी जो सारे क्रिकेट बोर्ड्स की है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है, क्रिकेटर्स की है, सारे पैसे की तरफ. There you go. कहीं ना कहीं जो ये गेम है उसको आप पीछे कर रहे हैं. टेस्ट मैच कम कर दो, T20 बढ़ा दो, पैसा. ठीक है जी, वनडे कम कर दो, T20 बढ़ा दो, पैसा. तो बेसिकली हो क्या रहा है? अच्छा जी, इंटरनेशनल क्रिकेट कम कर दो, लीग करा लो. हर बोर्ड को अपना है कि हम करा लें. क्यों? खुद जनरेट करने हैं पैसे. एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कौन कर रहा है? क्रिकेट. टेस्ट क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी, T20 क्रिकेट. तो बैलेंस, वो जो आप बात कर रहे हैं, रेगुलेट करना है, बैलेंस रखें उसको. बिल्कुल, यही मेरे आप एक टाइम पे उसकी बिल्कुल जो टेस्ट क्रिकेट देखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ही वो ख़त्म होती जाएगी. आप नई ऑडियंस तो आप ले आएंगे, ठीक है, नए आप ओलंपिक के बारे में भी सोच रहे हैं, वहाँ चले जाएँ, नए लोग उसको एज एन एंटरटेनमेंट T20 क्रिकेट को देखेंगे. बट जो लोग टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनका क्या होगा? ट्रेडिशनली जो गेम है वो तो आप आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होती जा रही. बिल्कुल ऐसे ही मैं इसमें भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप देखें, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया IPL कराती है, सारे मुल्क आते हैं खेलने, लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अभी भी 12 से 15 टेस्ट मैच एक साल में खेलते हैं. उनकी टेस्ट क्रिकेट को वो इफेक्ट नहीं कर रहा भाई. तो यही बात हो रही है ना, बाकियों का इफेक्ट हो रहा है. लेकिन एक महीना वसीम भाई, IPL टेक अबाउट 40 डेज ओनली, नो 70 डेज भाई, एंड इट नाउ गोइंग टू गो अप टू 75-80 डेज. नहीं, दैट्स व्हाट ही इज प्रेडिक्टिंग. अगर दो टीमें आ रही हैं, वो ये प्रेडिक्ट कर सर्टेन के जी शायद ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 महीने पे चला जाएगा, 70 दिन हो जाएंगे. दो नई टीमों को मैचेस तो खिलवाने पड़ेंगे. देखें, वो देखें, बात ये है, डेज विल बी एडेड. ये है कि नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो उसमें हम लोग ये प्रेडिक्ट करें, हो सकता है वो 40 दिनों में उसको खत्म कर. It takes a day. If you have to go to say from Calcutta to South Chennai or Mumbai, or wherever, दो घंटे पहले एयरपोर्ट निकलो, फिर फ्लाइट लो, फिर दो घंटे. It's always most of the Basically, what he is trying to say कि वो इतनी लीग कराने के बाद भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं. Obviously, वो खेल रहे हैं, इंग्लैंड भी खेल रही है, लेकिन कोई एक दो बोर्ड ही ये मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया की टीमें इन्वॉल्व हैं. अगर आप 2 महीने या 1 महीना वो ले लेंगे, 1-2 महीने वो ले लेंगे, देन देयर इज नथिंग फॉर अदर्स. माय केस, आई थिंक आल्सो माइकल आर्टन्स पॉइंट इज वेरी वेरी वैलिड. आई थिंक इट हैज टू बी रेगुलेटेड. बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, वरना हम, मेरा ख्याल है, अपने ही लाइफ टाइम में देख लेंगे कि बैन अलावामी सतह पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी, डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी, और लीग्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, और लीग्स में हर कोई इन्वॉल्व रहेगा, लीग्स में पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो हर प्लेयर की ख्वाहिश होगी कि वो लीग्स खेले, वो अब मुल्क के लिए रिप्रेजेंटेशन ना करें. एंड मे बी जस्ट लाइक फुटबॉल, दिस इज़ द नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट. बट जो रोमांटिक रोमांटिसिज्म है गेम के साथ हमारी, वो नहीं रहेगी. वो जो वाइट किट के अंदर 5 दिन और वो चेस्ट
कि मूव्स करना, कि इस बैट्समैन को सेटअप करें और उस बॉलर को ऐसे डील करें, आई थिंक दैट विल ऑल गो अवे, एंड वो हम सिर्फ किताबों में या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पे ही देख सकेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा द पवेलियन, दिस इज ए स्पोर्ट्स एंड टेन स्पोर्ट्स, विल बी राइट बैक विद द आईसीसी T20 कवरेज। Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the Pavilion, Pakistani legends and superstars Wasim Akram Mukai, Yunus Misbahul Haq and Wahab Riaz. Break पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट के अंदर पैसे की इन्फ्लुएंस की, और वाज़ेह तौर पे जो लोग क्रिकेट को, जो प्योरिटन्स हैं क्रिकेट के, वो इस बात को अब बहुत ही क्रिटिकली देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पैसे का इन्फ्लक्स और उसके साथ फिर जो इन्फ्लुएंस आ रही है वो गेम को कितना इफेक्ट कर रही है, कितना डैमेज कर रही है, या